बुंदे लेहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद कर आज भी शिराओं में रक्त दौड़ जाता है, भुजाएं फड़क उठती हैं। ये वही वीरांगना है जिन्हें बिठूर में मनु के नाम से जाना गया, और बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय उन्हें छबीली कहा करते थे। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ 14 वर्ष की उम्र में विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई कहलाई तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के बाद मर्दानी बन गई। 1858 में 18 जून के दिन महज 30 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। यह विठुर की सौभाग्य है कि वीरांगना मनु ने अपने जीवन के 10 वर्ष यहीं बिताए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि झांसी के लिए आखिरी सांस तक लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, और अंग्रेजों के हाथ उनका पार्थिव शरीर तक नहीं लगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र जरूर होता है। दोनों हाथों में तलवार और पीठ पर अपने बेटे को बांधकर जब लक्ष्मीबाई मैदान में उतरी तो अंग्रेजों ने साक्षात चंडी का रूप देखा। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 18 जून के दिन साल 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। 19 नवंबर 1828 को मोरो पंत तांबे और भागीरथी बाई के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। माँ बाप ने बेटी का नाम मणिकर्णिका रखा और प्यार से मनु बुलाने लगे। मणिकर्णिका के बचपन में ही माँ भागीरथी बाई का निधन हो गया। इसके बाद पिता मोरोपंत तांबे बेटी को लेकर झांसी आ गए। यहाँ मणिकर्णिका ने घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाएं सीखी। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों में निपुणता हासिल की। तलवारबाजी, धनुष विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में अमिट छाप छोड़ी। घुड़सवारी से उन्हें बेहद प्यार था। उनका सारंग नाम का एक घोड़ा भी था। कम उम्र में ही उनकी शादी मराठा नरेश गंगाधर राव से हो गई और मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई हो गया। 1851 में लक्ष्मीबाई को एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसका निधन हो गया। गंगाधर राव को अपने बेटे की मौत का गहरा सदमा लगा और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। 20 नवंबर 1853 को गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन अगले ही दिन गंगाधर राव का निधन हो गया। पति के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई की मुसीबतें बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए एक चाल चली। लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को किला खाली करने का आदेश दिया। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और कहा मैं झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई ने पहले कानूनी तरीके से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो अंग्रेजों से लड़ने की योजना तैयार करने लगी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया तो लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों का वीरता से मुकाबला किया। जब अंग्रेजों ने किले को पूरी तरह से घेर लिया तो रानी के हमदर्द कुछ लोगों ने उन्हें कालपी जाने की सलाह दी। रानी कालपी के लिए निकली और यहां उनका साथ देने के लिए तात्या टोपे तैयार थे। 22 मई 1858 को अंग्रेजी सेना और लक्ष्मीबाई के बीच कालपी में भी युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ ग्वालियर की ओर चली गई। यहां उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और नाना साहेब को पेशवा बनाने की घोषणा की। रानी के पीछे पीछे अंग्रेजी सेना भी ग्वालियर आ गई और हमला कर दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ। रानी अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। उनके सीने में अंग्रेजों ने बर्छी मार दी थी, जिस वजह से काफी खून बह रहा था। एक अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई के सिर पर तलवार से जोरदार प्रहार किया, जिससे रानी को गंभीर चोट आई। रानी के सैनिक उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रानी ने वादा किया था कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगने पाए, इसलिए सैनिकों ने रानी के शव को इसी मंदिर में अग्नि के हवाले कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
एंड टेक केयर।